जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या कोई ऐसी हद है जहां तक भारतीय जनता पार्टी गिर नहीं सकती? क्या कोई ऐसा स्तर है, क्या कोई ऐसा निचला स्तर है जिसे भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर सकती? मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि तेलंगाना में एक जघन्य एक विभत्स बलात्कार होता है और उसके बाद उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा अन्य पत्रकारों की तरह, मगर उस बलात्कार को भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवी का यह ट्वीट। यह उनका जो ट्वीट है वो तेलंगाना के जो गृहमंत्री हैं उनके वाहियात बयान के जवाब में आया है, जिसमें अमित मालवी यह कह रहा है कि सिर्फ इसलिए कि उसने 100 नंबर डायल नहीं किया इसका मतलब नहीं कि वो इस तरह से मारी जाए। जो मुख्य सस्पेक्ट है वो एक मुसलमान है। अब हम देखते हैं कि उस लड़की को न्याय मिलने में आप क्या करोगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाया था, एक अभियान चलाया था ट्विटर पर, जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि बलात्कारी एक मुसलमान है और उसके जरिए लगातार मुसलमानों पर हमला किया जा रहा था। यह बात अलग है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें एक मुसलमान है और 3 हिंदू हैं। यही नहीं, आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट है। यह कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता है, अनुज वाजपेयी इसका नाम है। ये कह रहा है कि जो मुसलमान 1947 के बाद भारत में रुक गए थे वही हिंदू लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। वाकई दोस्तों इनके सोचने के तरीके पर, इनके बात करने के तरीके पर मुझे तरस आता है। बात यहां तक नहीं रुकती। राजा सिंह, विवादास्पद विधायक राजा सिंह हैदराबाद से, ये भी क्या कह रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। यानी कि एक के बाद एक बलात्कार को भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा दोस्तों। जब हम बलात्कार को हिंदू मुस्लिम कर देंगे ना, तो उस अपराध से उपजने वाला जो आक्रोश है या नाराजगी है वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर पीड़ित हिंदू लड़की होगी तब हमारे में गुस्सा आएगा, मगर जब पीड़ित मुसलमान लड़की होगी तब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी ढेरों हमारे सामने मिसालें सामने उभर कर आ रही है और इस सब की नुमाइंदगी बीजेपी लगातार कर रही है। आपके सामने दोस्तों एक और खबर है। यह खबर झारखंड की है दोस्तों। यहां 12 लोगों ने एक लड़की का बलात्कार कर दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा उन 12 लोगों के दरअसल नाम क्या है। ये 12 के 12 लोग जो हैं वो हिंदू हैं। नाम है सुनील मुंडा, कुलदीप ओराव, सुनील ओराव, संदीप टिरके, अजय मुंडा, राजन ओराव, नवीन ओराव, अमन ओराव, बसंत खचाप, रवि ओराव, रोहित ओराव और ऋषि ओराव। और इन्होंने एक हिंदू लड़की का बलात्कार किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़की के लिए आवाज बुलंद की? आप जानते क्यों नहीं की? इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर बलात्कारी हिंदू थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मामला झारखंड का था। इनके लिए बलात्कार जैसे अपराध के मायने बदल जाते हैं राज्य को देखकर, मजहब को देखकर और नेता को देखकर। मसलन इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद, एक पूर्व बीजेपी सांसद और एक पूर्व बीजेपी विधायक। इन दोनों को पार्टी से निकालने में इनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी। कुलदीप सिंह सेंगर का बलात्कार में नाम जब आया तो उस नाम के आने के 2 साल बाद उसे पार्टी से निष्कासित किया गया, वो भी तब जब पीड़ित का आधा से ज्यादा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के उन तमाम भक्तों से कि क्या आपने कुलदीप सिंह सेंगर या फिर स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ किसी तरह का कोई अभियान चलाया था? बताइए, क्या आपने इन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया था? क्योंकि यहां न सिर्फ बलात्कारी हिंदू थे बल्कि पीड़ित, दोनों ही मामलों में पीड़ित हिंदू लड़कियां थीं, अगड़ी जाति की हिंदू लड़कियां। तब आपका खून क्यों नहीं खौला था? तब अमित मालवीय जैसे लोगों ने किसी तरह की कोई बहादुरी नहीं दिखाई थी? तब ये बिल्कुल खामोश रहे थे?
और आज मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे, आपके मुंह में कड़वाहट भी भर सकते हैं, मगर जिस निर्भया का गैंगरेप हुआ था उस नाबालिग को छोड़ के, क्योंकि उस नाबालिग का नाम मैं नहीं ले सकता कानूनी वजहों से, बाकी जो चार या पांच लोग थे वो कौन थे बताइए? वो सब के सब हिंदू थे। निठारी कांड जिसमें मासूम बच्चियों का बलात्कार और फिर उन्हें मौत के घाट उतार रहा था वो शख्स सुरेंद्र कोहली, वो कौन था मुझे बताइए? आज हम सबको खुद को आईना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बलात्कार को इस तरह से मजहबों में बांटते रहेंगे तो हम अपने देश की औरतों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम जो ये ढोंग करते हैं कि औरतें देवी का रूप हैं, क्योंकि हकीकत में दोस्तों हमारा यही स्वरूप है। मैंने आपको बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद के मामले में पूरी तरह से खामोशी थी। अब एक और मामला आपके स्क्रीन पर, यह बलात्कारी राम रहीम, 20 साल की सजा मिली इसको, मगर इस शख्स ने, साक्षी महाराज ने क्या कहा आपको याद है? साक्षी महाराज ने कहा कि जिस आदमी पर करोड़ों लोगों की आस्था है यानी राम रहीम, वो दोषी कैसे हो सकता है बावजूद इसके कि अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुना दी थी। यह साक्षी महाराज जो कि सांसद है, उन दो पीड़ितों की बात को मानने को राजी नहीं था। उसने यह बोला उन दो औरतों की औकात क्या है, यहां पर भी पीड़ित जो है हिंदू थी, मगर चूंकि बलात्कारी एक हिंदू था, एक तथाकथित हिंदू संत था, उसके चलते हमारा आक्रोश कहीं सामने उभर कर नहीं आया। आज हम सबको शर्म आनी चाहिए, मगर सवाल यह कि क्या हमें शर्म आएगी? क्योंकि दोस्तों इसकी शुरुआत आज से कुछ सालों पहले शुरू हो गई थी, जब कठुआ में एक 8 साल की मासूम का रेप होता है, और चूंकि उस वक्त आरोपी हिंदू थे, मैं इस वक्त आरोपी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और उसके दो मंत्रियों ने, इन दो मंत्रियों ने रैली निकाली थी बलात्कारियों के पक्ष में, तभी आरोपी थे। एक 8 साल की मासूम का रेप हो गया था दोस्तों, मगर तब भी इनका मन नहीं पसीजा था, तब भी इन्होंने बलात्कार को मजहब में पाट के रख दिया था, तब भी इन्होंने बलात्कार को हिंदू और मुस्लिम कर दिया था। उसके बाद अदालत का फैसला आया और उस फैसले में एक आदमी जो है वो बरी हो गया, मगर बाकी सारे गुनहगार साबित हुए। और जब भारतीय जनता पार्टी ने यह शर्मनाक रैली निकाली थी जम्मू में, तब बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता सामने उभर कर नहीं आया था इसकी आलोचना करने के लिए। नेता तो बहुत दूर की बात है, अमित शाह या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश रहे थे। यह अपने आप में बहुत शर्म की बात है दोस्तों। मैं नहीं भूला हूं इस सरकार के चाटुकार किस तरह से कठुआ और मंदसौर का फर्क हमें बता रहे थे। मंदसौर का जिक्र वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मंदसौर में बलात्कार का आरोपी एक मुसलमान था जिसने 5 या 6 साल की किसी मासूम का बलात्कार कर दिया था। मगर क्या आप जानते हैं उस बलात्कारी के पक्ष में ना कांग्रेस ने रैली निकाली थी, ना उस इलाके के मुसलमानों ने, बल्कि उस इलाके के मुसलमानों ने यह कहा था कि जब यह मर जाएगा तो हम इसे सुपुर्दे खाक करने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया, इन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली, एक बार नहीं कई बार। चलिए आसिफा के मामले में आपने रैली निकाल ली हो, मगर कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में पूरी योगी सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे खड़ी हुई थी। स्वामी चिन्मयानंद के मामले में, स्वामी चिन्मयानंद एक एयर कंडीशन अस्पताल में अपना इलाज कराता रहा, मगर बलात्कार की जो पीड़िता थी उसे जेल में डाल दिया गया, वो अपना एग्जाम तक नहीं दे पाई, ब्लैकमेल का आरोप। उसके बाद राम रहीम, बता चुका हूं मैं आपको, राम रहीम को डिफेंड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, मंत्री और विधायक। इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि हम किस हद तक गिरेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप किसी मुसलमान की तौहीन कर रहे हैं या आप हिंदू धर्म को ऊंचा मुकाम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप मेरे धर्म को, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं एक शिव भक्त हूं, आप मेरे धर्म की तौहीन कर रहे हैं और यह करने का आपको अधिकार कतई नहीं है। आप
इस देश की महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं, इस देश की औरत की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप मजहबों में इसकी इज्जत को बांटेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, मगर आपको शर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि आंखों में जो हया का पर्दा है ना, उसे हम न जाने कितने दिनों पहले नोच गए हैं, नोच कर खा गए हैं। ये हमारी हकीकत है। हमने बलात्कार को भी मजहब में बिवाड़ दिया है। रिपीट, हमने बलात्कार को भी हिंदू मुसलमान कर दिया है। बीजेपी ने बलात्कार को भी मजहबी कर दिया है। बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।